दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपीएससी एनडीए सेकंड और सीडीएस सेकंड एग्जाम नोटिफिकेशन की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यू भर्ती की अपडेट आ चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म की भी हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो और कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। 12वीं पास और डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 17 मई 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 जून 2023 है। इस वीडियो में साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर किस एग्जाम के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं यूपीएससी एनडीए और सीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। यहाँ पर ये भर्ती होगी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी यानी कि एनडीए सेकंड और एनए सेकंड एग्जाम 2023 और कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस सेकंड एग्जामिनेशन 2023 के माध्यम से एनडीए और सीडीएस एग्जाम के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। बात अगर वैकेंसी डिटेल की जाए तो एनडीए के लिए 400 से अधिक वैकेंसीज है जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंतर्गत है, और सीडीएस के लिए 300 से अधिक वैकेंसीज है जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंतर्गत होने जा रही है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 17 मई 2023 से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 जून 2023 है। एनडीए सेकंड और सीडीएस सेकंड एग्जाम की डेट 3 सितंबर 2023 है। सेली आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एनडीए के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सीडीएस के लिए ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर एज लिमिट डिटेल की जाए तो यहाँ पर एनडीए सेकंड और एनए सेकंड एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। इसी तरह आईएम में और एनआईए जो कि सीडीएस के अंतर्गत है, यहाँ पर ये तीनों, यहाँ पर इनके लिए एज लिमिट आईएम में एनआईए के लिए 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए। ओटीए के लिए 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए। एयरफोर्स अकेडमी के लिए 20 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है एनडीए के लिए और 200 रुपये सीडीएस एग्जाम के लिए। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या चालान से आप ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, एसएसबी टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। upsc.gov.in और upsconline.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक्स का ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की ऑफिशियल पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक्टिव एग्जामिनेशन का ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहीं पर आपको 17 मई को इसकी नोटिफिकेशन के दोनों नोटिफिकेशन के अलग अलग लिंक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका यहाँ से ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। यूपीएससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।